अब तक की वीडियो में हमने सीखा 3 स्ट्रॉन्ग रीजन सवेरे जल्दी उठने के लिए, उसके बाद 5 बेसिक स्टेप जो आपको तुरंत उठने के बाद करना है, उसके बाद हमने सीखा 6 लाइफ सेवर्स के बारे में। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इस हैबिट को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और थोड़ा कुछ ऑथर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर के मुताबिक किसी भी हैबिट को फॉर्म होने में 30 दिन लगते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपने लाइफ में चेंज को लेकर, तो आपको ये 30 दिन का चैलेंज लेना चाहिए। डेज 1 to 10, फेज 1 अनबियरेबल। शुरुआती के 10 दिन काफ़ी कठिनाइयों वाले होंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सवेरे उठना पसंद नहीं है। आपको ये 10 दिन अच्छे से मैनेज करना है। 3-4 दिन के बाद आपको थोड़ा प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा। आप अपने दिमाग में ये बात डाल लें कि 10 दिन जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे और ये 10 दिन आपको अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने की आज़ादी को छीन नहीं सकते। आपको हर वक्त अपने आप से ये बात दोहराते रहना होगा कि आप ये कर सकते हैं। डेज 11 to 20, फेज 2 अनकम्फर्टेबल। जैसे ही आप 10 दिन के मुश्किल पड़ाव को पार कर लेंगे, तो समझ लेना कि आपने आधा काम पूरा कर दिया है। इसके बाद आप रिदम में आना शुरू कर देंगे और आपका एक डेली रूटीन बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। आप खुद अपने आप से कहने लगेंगे कि मैं इस टास्क को कितना मुश्किल समझ रहा था, लेकिन ये कितना आसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा कैजुअल हो जाएं। आपको इस फेज में भी उतना ही डेडिकेशन कमिटमेंट की जरूरत होगी जितना आपने फेज 1 में दिखाया था। डेज 21 to 30, फेज 3 अनस्टॉपेबल। बाकी 2 फेज के बाद तीसरे फेज में आपको रियलाइज होगा कि सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं। इस फेज में धीरे धीरे आपका मॉर्निंग टास्क आपके लिए एक डेली रिचुअल बन जाएगा, आपके नॉर्मल मंडेन एक्टिविटी की तरह। और तब आप हक से कह सकते हैं कि आपने ये कर दिखाया, शाबाश। और अब कुछ ऑथर और इस बुक के बारे में कहूँ तो, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैंने ये प्राइसलेस विजडम शेयर किया है फ्रॉम बुक द मॉर्निंग मिराकल, जिसके ऑथर हैं हेल एलरॉड। हेल एलरॉड की लाइफ काफ़ी ट्रेजिडी वाली रही है। 20 की उम्र में उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से उन्हें 6 मिनट के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया और वो 6 दिन तक कोमा में भी रहे थे, लेकिन उन्होंने मौत को मात देकर सबको सरप्राइज कर दिया। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी हेल एलरॉड ने सभी को गलत साबित किया। वो ना केवल चले बल्कि मैराथन भी दौड़ा। उसके बाद उन्होंने खुद ये सभी हैबिट्स अपने ऊपर आजमाया और रिजल्ट आपके सामने है द मॉर्निंग मिराकल बुक के रूप में। मैं भी ये 6 लाइफ सेवर्स की बातें अपने डेली मॉर्निंग रूटीन में फॉलो करता हूँ। हालांकि मेरा करने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन मैंने जब इस बुक को रीड किया तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसलिए मैं ये बुक सभी एज ग्रुप के लोगों को रिकमेंड करूंगा। इसे रीड करने के बाद आप रिग्रेट नहीं करेंगे। वीडियो खत्म करने के पहले आज का क्वेश्चन, आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो से, कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑलवेज सीक नॉलेज को, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करें फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए, जो कभी आपसे मिस नहीं होगा। आप ऑलवेज सीक नॉलेज को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पे भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई और अच्छी बातें नए मेंटर के साथ। अंटिल देन, कीप लर्निंग।